माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा नाच गया और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज हम बात करेंगे बड़े भाई पर। बड़े भाई ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बड़े भाई हमारी किस्मत के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। बड़ी डिटेल से चर्चा करूंगा। परवरिश पे आज बात करेंगे उन बच्चों की जिन बच्चों को कुछ विशेष परेशानियां हो सकती हैं। बाकी शुभ शुभ समय और आपकी राशियों का हाल, जन्मदिन, ये सब तो हो गई, बात शुरू करते हैं। बड़े भाई, ऐसा हम लोग बोल देते ना घर में, भैया। यू तो रिश्ते में ये बहुत विशेष है ही, लेकिन हम इसे ज्योतिष की दृष्टि से भी देख सकते हैं। हर ग्रह कोई ना कोई रिश्ता डिनोट करता है और उस रिश्ते के साथ यदि हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं तो हमारा वो ग्रह भी बुरे फल कम देता है, अच्छे फल ज्यादा देता है। बड़े भाई यानी मंगल, यदि आपका मंगल खराब है तो बड़ा भाई का सुख नहीं मिलेगा। आप यहां तक देखिएगा कि किसी को हृदय से बड़े भाई मान लिया, बावजूद उसके यदि आपका मंगल खराब है तो उसका सुख नहीं मिलेगा। दो लोग एक व्यक्ति को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन जिसका मंगल खराब है उसका उसे तारतम्यता कभी नहीं बनती, जबकि दूसरे को उन्हीं से बहुत प्रेम, सुख, सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। तो हमारा अपना मंगल यदि अच्छा नहीं है तो बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। और इसलिए यदि आपका मंगल अच्छा नहीं है तो बड़े भाई के साथ कभी कोई व्यापार मत कीजिएगा, नुकसान होगा। उनके साथ घर तो कतई मत बनवाइएगा, नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि वो खराब है, ऐसा इसलिए कि आपके ग्रह नहीं मिलते हैं और इसलिए परेशानी होगी। अब आप कहेंगे कि हमको मंगल कैसे पता भाई? बताता हूँ। यदि बड़े भाई के मन में आपके प्रति स्नेह कम है तो आपका मंगल खराब है। यदि आपके बड़े भाई है ही नहीं तो आपका मंगल खराब है। यदि आपके बड़े भाई दूर हैं और वह आपकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं किसी कारण भी वश, तो भी आपका मंगल खराब है। और यदि आपके बड़े भाई परेशानियों से जूझते हैं तो भी आपका मंगल खराब है। यदि आपके बड़े भाई को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपका मंगल अच्छा नहीं है। इसीलिए बड़ा भाई को आज हम एक पैरामीटर बनाते हैं अपने मंगल को जज करने का। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका मिस्टर एक्स के साथ पार्टनरशिप वाला बिजनेस बहुत फ्लोरिश कर रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है, और वहीं बड़े भाई के साथ किया तो दिक्कत हो गई। मकान बड़े भाई के साथ बनवाया तो दिक्कत पिता अथवा माता को हुई और साथ ही साथ दोनों के बीच में वैमनस्य भी उत्पन्न हो गया। अब घर में हैं तो परेशानियों को खत्म करने के लिए कुछ उपाय तो करने ही चाहिए। परेशानियां रहेंगी तो घर डिस्टर्ब होगा, घर डिस्टर्ब होगा तो मन की शांति डिस्टर्ब होगी, मन की शांति एक बार डिस्टर्ब हो गई तो सब कुछ गया। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बड़ों की जरूरत हमें जिंदगी के हर मोड़ पर पड़ती है। और यदि हमारे बड़े भाई हैं, वो सक्षम हैं, हमें प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, पिता जैसी एक बड़ी ताकत है। नहीं होते तो हम दूसरों में वह रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन मिलेगा कहाँ से जब हमारा मंगल खराब है। एक और चीज यहां पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बड़े भाई से रिश्ते खराब कर लेते हैं, उसकी कहीं निंदा करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनका सामान इधर उधर कर देंगे, उनके हक पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो ये मान के चले और लिख के रख लें कि आपका मंगल खराब होकर आपकी प्रतिष्ठा की हानि देगा और स्वास्थ्य में बहुत बुरी स्थिति देगा, जिसमें बहुत सारा पैसा तो खर्च हो गई, साथ ही साथ आपको कष्ट होगा और यह आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश भी करेगा मंगल। इसलिए बड़े भाई को बड़े भाई रहने दीजिएगा। मैं अभी आपको मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद मैं आपको मंगल के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे आपके और आपके बड़े भाई के संबंध बेहतर हो। मेष राशि, बहुत संभल के चलने का वक्त है। आपके मन में शक या गुस्सा
हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। प्रमोशन आदि के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा ध्यान से चलेंगे तो लाभ हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। सावधानी, इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, कुत्तों को भोजन दीजिए, काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भागदौड़ बहुत रहेगी, मन में तनाव भी रहेगा, कुछ परेशानियां महसूस करेंगे। आप अपने घर परिवार की ओर से भी कुछ व्यथित रह सकते हैं। सावधानी, वजन मत उठाइएगा और रात में वाहन चलाने से बचें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर करने के लिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाषा पर बहुत नियंत्रण रख के चलिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, दिन अच्छा है, भाग्य सपोर्ट करेगा, इसलिए रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करें। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन यदि आप अकाउंट से डील करते हैं या कैश कहीं लेकर जा रहे हैं या कोई और कीमती सामान कहीं लेकर जा रहे हैं तो अपनी जेबें बचा कर रखें। उपाय क्या कर रहे हैं दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप 5 फलों का दान अवश्य करें। कर्क राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, मन थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा और एक विशेष सावधानी बरतिएगा। अपने हृदय की बात किसी अन्य से कहते वक्त बहुत सावधान रहें, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप आटे का दान अवश्य कर दीजिएगा। और अब परवरिश टिप, देखिए एक तरफ तो ह्यूमिडिटी बहुत है, बरसात का भी मौसम है, गर्मी भी बहुत है, ऐसे समय में बच्चों के पेट बहुत जल्द खराब होते हैं। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, उसके अंदर पानी की कमी ना हो, 5 लीटर के लगभग बच्चा पानी पीता रहे। दूसरी, छोटा बच्चा है तो अलग बात है, लेकिन मैं ये बड़े बच्चों के लिए कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बासी भोजन बिल्कुल नहीं, बासी आटे की रोटी बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज़, ताज़ा भोजन। चौथी चीज, हल्का भोजन। पांचवी चीज, बहुत तेज मसालों का भोजन नहीं, और तले हुए भोजन से तो बहुत बचने की कोशिश करें, और बाहर खुले में बनने वाले भोजन को बिल्कुल नहीं खाएं। देर रात भोजन करने से नुकसान हो सकता है, और थोड़ा सा कपूर जो होता है, जो देसी कपूर जिसे कहते हैं, वह देसी कपूर दिन में 1-2 बार जरूर सूंघ लीजिएगा, रुकवा से सब ठीक होगा। और हम बात कर रहे हैं बड़े भाई की और मंगल की। आपका मंगल यदि खराब है तो बड़े भाई से आपके संबंध शुरू से ही थोड़ा लड़ाई झगड़े वाले रहेंगे। हो सकता है प्यार हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा स्पष्ट दिखाई देगा, भले ही प्यार स्पष्ट दिखाई ना दे। और अगर ऐसी स्थिति है तो किसी भी हालत में दोनों लोग घर नहीं बनवाएंगे एक साथ, अलग अलग रह सकते हैं या अलग अलग अपना घर बना सकते हैं, लेकिन एक साथ अपना घर नहीं बनवाएंगे। एक ही स्थान पर भी घर बनवा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपना घर अपने हिसाब से अलग तरीके से बनाएगा, उसमें होने वाली मेहनत और धन दोनों को वही ही निभाएगा, अन्यथा परेशानी होना तय है, ये मान के चलिएगा। दूसरी बात, यदि भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है या भाई का किसी कारणवश सुख नहीं मिल रहा तो 42वें वर्ष तक कभी भी घर मत बनाइएगा, अन्यथा आपको हानि होगी। अब यदि दोनों के संबंध आपस में बहुत खराब हैं और लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो एक छोटा सा काम करना शुरू कीजिए। महीने के एक मंगलवार जो शुक्ल पक्ष में पड़ रहा हो, तो ऐसे में दोनों भाई अपनी दादी जी को जाकर कोई उपहार या भोजन पदार्थ अवश्य दे दिया करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया करें, लाभ होगा। दूसरा उपाय, यदि दोनों भाइयों में, बड़े छोटे भाइयों में कहीं मतभेद चलता है और उस मतभेद का सीधा प्रभाव घर पर भी पड़ रहा है, तो दोनों भाई 11 मंगलवार सूर्य अस्त होने के बाद छोटी सी शीशी में दूध भरकर, कच्चा पक्का कैसा भी हो, दूध भरकर किसी निर्जन स्थान में दबा दिया करेंगे। 11 मंगल ऐसा कर लीजिएगा, मन आपस में शांत होने लगेगा। तीसरा उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी तर्जनी में चांदी का छल्ला दोनों भाई पहन ले, इससे दोनों के बीच में वैमनस्य नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, सुलह का रास्ता भी निकल जाएगा, सुख प्राप्त होगा। अगर आपके कोई मुंह बोले बड़े भाई हैं
और उनसे आपके यदि संबंध ठीक नहीं है तो पहले तो मैं सलाह यही दूंगा कि संबंध सुधारने की कोशिश कीजिए। नहीं भी अगर आप कर पाते हैं तो उन्हें कष्ट मत दीजिए, नहीं तो आपका मंगल निश्चित रूप से बुरा परिणाम देगा। और तीसरी चीज़ ये है, यदि वह स्वीकार करें तो उनकी दाहिनी कलाई पर लाल रंग का धागा ओम अंगंगारकाय नमः कहते हुए बांध दीजिएगा। और यदि वह स्वीकार नहीं करें तो उनको किसी दिन घुमाले ले चलिए और उनके हाथ से 11 लोगों को भोजन, बने हुए भोजन का दान करवा दीजिए। ये भोजन आप बना के ले जाइए, उनके हाथ से सिर्फ दान करवा दीजिए तो लाभ होने लगेगा, दोनों के बीच में वैमनस्य कम होने लगेगा। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल, और उसके बाद उस घर की बात करता हूँ जिस घर में भाई बहुत लड़ते हैं और माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, जम के मेहनत करिए, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा और आपकी तरक्की भी इस दिन हो सकती है। परंतु एक सावधानी, इस दिन पेट गड़बड़ कर सकता है, प्रेम संबंध में भी परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जप करके अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आप इस दिन गुस्से से कोई निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आप कोई भी बड़ी खरीद फरोख्त बहुत सोच समझ कर करिएगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन बड़े भाई बहन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खासतौर से बड़ी बहन से आपके रिश्ते ना खराब हों। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप गौ माता को हरा चारा जरूर खिला दीजिएगा। तुला राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्रोध की वजह से आप अपना खासा नुकसान कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके घर के लोगों की वजह से भी आपको कुछ परेशानी कष्ट महसूस हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, सावधानी इस दिन की वाहन चलाने को लेकर है। और उपाय क्या करना है, दही का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन वाहन आदि की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, सोच समझकर वाहन चलाइएगा, बहुत सतर्कता से वाहन चलाइएगा, छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान रखें, सावधानी, कोई इस दिन आपको धोखा दे सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें। फटाफट नोट कीजिए दिन के शुभ अशुभ समय, दो मुहूर्त रहेगा शाम को 5:28 से लेकर 6:23 तक, यमगण काल रहेगा 12:24 से लेकर 2:08 तक, गोलिक काल लिखिए 3:51 से लेकर 5:35 तक, और राहु काल लिखिए 5:35 से लेकर 7:18 तक, यानी शाम 5:35 से 7:18 तक राहु काल रहेगा। शुभ मुहूर्त लिखिए, अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से लेकर 12:52 तक, और अमृत काल होगा सुबह 9:42 से लेकर 11:40 तक। आइए विषय पर लौटते हैं और उनकी बात करते हैं जिनके घरों में, भाइयों में बहुत झगड़े होते हैं। एक काम करते हैं, सिर्फ कोई एक भाई जिसे झगड़ा नहीं चाहिए या वो झगड़ा सुलझाना चाहता हो, या उनके माता पिता, वह घर की छत पर चीनी की खाली बोरी रख दे, एक या दो। अगर छत नहीं है तो जो खिड़की का छज्जा होता है वहाँ पर भी इसको डाला जा सकता है, लेकिन बालकनी में अंदर नहीं करेंगे, बालकनी के बाहर भी आप कर सकते हैं। ये उपाय करने से झगड़े कम होंगे। एक और चीज़, यदि आपको बड़े भाई के कष्ट से कष्ट हो रहा है या उनके द्वारा पहुँचाए जाने वाले कष्ट से परेशानी है तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, मंगलवार को 5 फलों का दान करना ज़रूर शुरू कर दीजिए और बड़े भाई को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, रिश्ते मजबूत होंगे, आपका मंगल अच्छा होगा। यदि दोनों भाइयों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और आप माता पिता लोग बहुत परेशान हैं इस बात से, तो एक कार्य करें, श्राद्धों के दिनों में वह पितृ दोष का पूजन जरूर किया करें, खुद बैठ के करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र के साथ, जरूर लाभ होगा और दोनों के बीच में कलह अवश्य ही कम होगा। अब मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर आगे की बात। धनु राशि,
दिन मैं अच्छा नहीं कह सकता, भाग्य पक्ष कमजोर है। अपने सिर आंख गले का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्रोध से बचने की कोशिश कीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन वाहन चलाने से बचें और जिनसे भी बातचीत करें बहुत सोच समझकर बातचीत करें और धन खर्चने के मामले में भी जल्दबाजी नहीं करें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप ओम हनुमते नमः का जप करें फिर काम पर जुटें। मकर राशि, यह दिन सर के लिए, रक्त संबंधी व्याधियों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखकर ही काम कीजिएगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा इस दिन, खास तौर से वो लोग जो खेलते कूदते हैं या वाहन बहुत चलाते हैं, वो लोग इस दिन विशेष रूप से अलर्ट रह के अपने काम करें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, लाल धागा दाहिनी कलाई में अवश्य बांध लीजिएगा। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, परंतु पार्टनरशिप में या मित्रों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सावधानी, इस दिन लाभ के लिए पैसा खर्च मत कीजिएगा, पैसा बचाइएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, हल्दी और पुस्तक का दान अवश्य कर दें, कॉपी भी हो सकती है, पेंसिल भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, हल्दी के साथ इसमें से किसी चीज का दान अवश्य कर दें या सबका भी दान कर सकते हैं। मीन राशि, आपके निर्णय लेने की क्षमता इस दिन बहुत कमजोर हो रही है, इसलिए कोई भी विशेष महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। दूसरी बात, इस दिन अपने पेट और कमर का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन आपके मुंह में कोई दिक्कत ना हो या वाणी में कोई दिक्कत ना हो, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को अच्छा करने के लिए, आप हल्दी का दान अवश्य करें। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत कीजिए, बहुत लाभ होगा, जिंदगी में कुछ बहुत विशेष पाने के योग बन रहे हैं, इसलिए पीछे मत हटिए। मैं जानता हूँ पिछले कुछ महीनों से आप बहुत दुखी हैं, हिम्मत भी छूट रही है, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, बदलाव की कगार पर हैं, लेकिन आगे आने वाले 12 महीने तरक्की देने वाले सिद्ध होंगे। बस उपाय करना होगा, क्या उपाय है, माताजी के हाथ से चांदी की चेन गले में धारण कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। इस साल बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा बनाना है, ऑल द बेस्ट। और अब जानते हैं आज का विचार। जब भी आप कोई नया और बड़ा कार्य करना शुरू करते हैं, लोग सबसे पहले आपकी हंसी उड़ाते हैं, फिर दूसरा चरण आता है, वह आपकी निंदा करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यदि आप अपने काम पर डटे रहे तो एक दिन आपके पीछे लाइन लगाकर खड़े भी हो जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए और कोई नया कार्य आप कर रहे हैं तो पूरी ताकत से, पूरे विवेक से और बुद्धि से उस कार्य को कीजिए और प्रार्थना करते रहिए, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे सब आपको प्रेम करने लगेंगे। तो चलने का वक्त आ गया, लेकिन चलते चलते आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहता हूँ। जब भी भाइयों के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत होने लगे या आपको बड़े भाई का सुख नहीं मिल पा रहा हो, मुंह बोले बड़े भाई का भी सुख नहीं मिल पा रहा हो, तो हर मंगलवार के दिन कन्या को दूध चावल देना शुरू कर दीजिए। उन्होंने चाहा, कुछ समय तो लगेगा लेकिन उसके बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपका दिन बहुत सुख से बीते, शुभकामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।